वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2005 में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ। स्क्रैम है द स्केलेटन की। स्टार्टिंग में मूवी बस नॉर्मली चलने लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी अंदर जाने लगती है तो इस कहानी का काला सच ऑडियंस के सामने आने लगता है और क्लाइमैक्स तो भाई साहब गजब मतलब गजब। बिहाइंड हर आईज जैसी है ये मूवी। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैरोलिन, जो शायद किसी ओल्ड एज होम में एज ए नर्स की तरह काम करती रहती है। एक दिन जब कैरोलिन किसी बंदे का ट्रीटमेंट कर रही होती है, इसकी आंखों के सामने ही वो आदमी मर जाता है। इसकी मौत देखकर बेचारी कैरोलिन बहुत दुखी होने लगती है। जब ये बात अपने कोलिग को बताती है तो उसकी कोलिग कैरोलिन से कहने लगती है, ओह अच्छा मर गया, तो वो बेड खाली करके दूसरे बंदे को ला दो। मतलब वो औरत बहुत ही सिंपल से बताने लगती है, जैसे किसी को इंसान की जान की वैल्यू ही नहीं। कैरोलिन यही सोचने लगती है कि इतनी आसानी से ये कैसे कह दिया। सोच रहती है कि इस जॉब को स्टॉप कर देगी और शायद जॉब को जाना स्टॉप भी कर देती है। उसके बाद न्यूज़पेपर में एक जॉब की एड को देखती है, मतलब किसी को केयर टेकर की जरूरत है। ये एड देखने के बाद कैरोलिन अपने रूममेट से ये बात बताने लगती है कि मैं इस जॉब को स्टॉप करना चाहती हूँ, आज ही मैंने एक एड देखा, किसी को केयर टेकर की जरूरत है, वहाँ पर जाना चाहती हूँ। फ्रेंड पूछने लगती है, अरे तुम तो इस जॉब को बहुत पसंद करती हो, क्यों स्टॉप करने चाहती हो। कैरोलिन यही बताने लगती है कि वहाँ के लोग इंसान को इंसान की तरह ही नहीं देखते, जान की कोई वैल्यू ही नहीं वहाँ पर। जब किसी की मौत होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसकी फ्रेंड भी यही कहने लगती है, ओके डू व्हाट यू लाइक। दूसरे दिन कैरोलिन उस एड्रेस पर जाती है तो ये देखती है कि वो बहुत ही बड़ा बंगलो है। कैरोलिन को बाहर कोई भी नजर नहीं आता। धीरे धीरे कैरोलिन घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर गार्डन में एक बूढ़ा बूढ़ी होते हैं। बूढ़ा व्हीलचेयर पर बैठा होता है और इस बूढ़ी औरत का नाम होता है वायलेट और बूढ़े बंदे का नाम होता है बेन। जब कैरोलिन इन दोनों के पास जाने ही वाली होती है तभी वहाँ पर एक लॉयर आता है। इस बंदे का नाम होता है लूक। पेपर में एड देने वाला यही बंदा होता है। सो लूक कैरोलिन से कहने लगता है कि आपको उसी बूढ़े बंदे की केयर टेकर बनना है। इस तरह से बेन के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। तभी वायलेट कैरोलिन को देखकर बिना बात किए शायद गुस्से में वहाँ से चली जाती है अंदर। ये देखकर कैरोलिन को थोड़ा अजीब लगता है। लूक वायलेट के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि यही वो नई लड़की है जो बेन का ख्याल रखने के लिए आई है। वायलेट कहने लगती है, ये लड़की तो बहुत मॉडर्न नजर आती है, क्या ये काम कर पाएगी, क्या इस घर में रह पाएगी। इस तरह से थोड़ा कैरोलिन को नीचा दिखाकर बात करने लगती है। गुस्से में आकर कैरोलिन वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लॉयर मतलब लूक कैरोलिन के पास आकर इसको समझाने लगता है, अरे वो तो बूढ़े लोग है ना, ऐसे ही कहेंगे, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। आप कैरोलिन को तो उस हॉस्पिटल में दोबारा जाना पसंद नहीं होता तो इसी जगह पर काम करने का डिसाइड कर ही लेती है। सो दूसरे दिन कैरोलिन अपने फ्रेंड के पास आकर यही बात बताने लगती है कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं उस बंगलो में काम करूंगी। इस तरह से अपने कपड़े शपड़े पैक करके उस बंगलो शिफ्ट हो ही जाती है। उस बंगलो आते समय रास्ते में अपनी गाड़ी को गैस भरवाने के लिए किसी गैस स्टेशन पर रुकती है। अपनी गाड़ी में गैस भरने के बाद जब दुकान में जाती है तो दुकान में कोई भी मौजूद नहीं होता। जब कैरोलिन एक रूम में जाने वाली होती है तो ये देखती है कि उस रूम के बाहर एक लाल कलर की लाइन होती है बॉर्डर। खैर इस चीज को इग्नोर करके कैरोलिन जब अंदर जाती है तो अंदर इसको कोई भी नजर नहीं आता। खैर और थोड़ा अंदर जाने पर कैरोलिन को एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत नजर आती है। इस बूढ़ी औरत से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कैरोलिन से गैस के पैसे लेता है। दिखने में यह बंदा बहुत ही अजीब होता है, मतलब बहुत ही सीरियस किस्म का बंदा। खैर जो भी हो, कैरोलिन फाइनली इस बंगलो के पास पहुँच ही जाती है। अपने कमरे में आने के बाद कैरोलिन ये देखती है कि मिरर पर वैक्स लगा हुआ है। सिर्फ इसके कमरे में ही नहीं, इस बंगलो के हर एक मिरर में ऐसा ही वैक्स लगा होता है, मतलब सारे मिरर्स ढके होते हैं। खैर कैरोलिन इन चीजों को इग्नोर करके जब रिलैक्स कर रही होती है तभी किसी कमरे से कैरोलिन को एक गाने की आवाज सुनाई देती है। चकरने पर यह बात पता चलती है कि एक्चुअली वो गाना बेन के कमरे से आ रहा होता है, मतलब कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह चलते रहता है। कैरोलिन बेन से कहने लगती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी अच्छे से देखरेख करूंगी। तभी बेन फटाक से कैरोलिन का हाथ पकड़ लेता है। कैरोलिन बहुत डर जाती है। एट द सेम टाइम उसी वक्त वो बूढ़ी औरत वायलेट वहाँ पर आती है। कैरोलिन से कहने लगती है कि जब बेन को कोई जरूरत होती है तो वो ऐसे ही हाथ पकड़ते हैं, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहते हुए बेन को कुछ दवाई वगैरह देने लगती है। बाद में बातों ही बातों में कैरोलिन वायलेट से यही बात पूछने लगती है कि हर एक मिरर ढका हुआ क्यों है। वायलेट कहने लगती है, अरे बेटा हम बूढ़े हो चुके हैं ना, खुद का चेहरा मिरर में देखना पसंद नहीं, ऊपर से हमारा कोई भी नहीं, जब भी मिरर देखते हैं तो हम लोगों को अपनों की याद आती है, इसलिए सारे मिरर्स हम लोगों ने ढक के रख दिया। बाद में कैरोलिन पूछने लगती है कि एक्चुअली ये घर किसका है। वायलेट कहने लगती है कि बहुत सालों पहले इस घर में वाइफ हस्बैंड और उनके दो बच्चे रहते थे और उसी तरह इन लोगों के पास काम करने वाले दो नौकर्स भी। वो दो बच्चे बड़े होने के बाद लास्ट स्टेज में इस घर को हमारे नाम कर दिया, मतलब हम लोगों को बेच दिया। अब ये बंगला उन्हीं लोगों का है, इसीलिए उनकी याद में हमने
उनकी फोटो यहाँ पर रखी है। उसके बाद वॉलेट कैरलिन को एक चाबी देते हुए कहने लगती है कि ये चाबी हर एक कमरे को ओपन कर सकती है सिवाय ऊपर वाले कमरे के, और तुम उस कमरे में जाना ही मत, तुम्हारी भलाई के लिए ही बता रही हूँ, उस रूम के पास मत जाओ। खैर दूसरे दिन से कैरलिन बेन की देखरेख करना स्टार्ट करती है। जब कैरलिन और बेन गार्डन में बैठे होते हैं तो वॉलेट कैरलिन के पास आकर कोई धागा लाने के लिए कहती है। सो कैरलिन उसी तरह से बंगलों के अंदर जाने लगती है। तभी उसको किसी रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। चेक करने पर वो आवाजें उसी कमरे से आ रही होती है जिस कमरे में वॉलेट जाने से मना किया था। कैरलिन इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है और उसी तरह उस चाबी को भी आजमाती है, लेकिन नो यूज, वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। खैर उसके बाद धागा वगैरह लेकर जब नीचे आ रही होती है तभी वॉलेट वहाँ पर आती है। कैरलिन से पूछने लगती है कि इतनी देर ऊपर क्या कर रही थी। कैरलिन कहने लगती है कि आपने जो वो कमरा बताया था ना, उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी थी मुझे। वॉलेट बताने लगती है अरे इस कमरे में चूहे वगैरह होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। रात होने के बाद जब कैरलिन अपने कमरे में सो रही होती है तो कैरलिन को बेन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब कैरलिन बेन के कमरे में जाती है तो बिस्तर पर बेन मौजूद नहीं होता। सोचने लगती है कि बेन तो पैरालाइज है, ये कहां पर उठ के चला गया। जब विंडो के जरिए से देखने लगती है तो बेन उस भारी बरसात में विंडो के जरिए से रूफ पर होता है। कैरलिन शॉक में होकर बेन से कहने लगती है कि आप वहीं पर रुको, मैं आ रही हूं। इस तरह से नीचे जाने लगती है, लेकिन तब तक बेन ऊपर से नीचे गिर चुका होता है। कैरलिन की आवाज सुनकर वॉलेट बाहर आती है, कहने लगती है कि ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं, तुम घबराओ मत, घर में जाकर इनकी व्हीलचेयर ले आओ। तो जब कैरलिन बेन के कमरे में जाती है तो बेड के ऊपर बेन ने ये लिखा होता है हेल्प मी। समझ में नहीं आता कि किसने लिखा। खैर जो भी हो, फटाफट से कैरलिन बेन के लिए उसकी व्हीलचेयर लाती है। बाद में ये दोनों बेन को उसके कमरे में लाकर सुला देते हैं। खैर सुबह होने के बाद कैरलिन बस ऐसे ही उस बंगले के चक्कर काटती रहती है। इस बंगलों के पीछे एक छोटी सी नदी होती है और उस नदी में एक छोटी सी बोट भी होती है। सोचने लगती है कि इस छोटी सी बोट में कौन ट्रैवल करता होगा। तभी कैरलिन के पास लूक आता है, वही लॉयर। लूक को देखने के बाद कैरलिन फटाफट से लूक को लेकर बेन के कमरे में जाती है वो बेडशीट दिखाने के लिए। जब वो बेडशीट ओपन करती है तो इसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, सब कुछ सफेद होता है। लूक पूछने लगता है तुम इतनी घबराई क्यों हो और मुझे क्या दिखाना चाहती हो। कैरलिन कहने लगती है कि मुझे शक है यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, बट आई कांट एक्सप्लेन यू। तो लूक कैरलिन को समझा बुझा कर वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद कैरलिन उस बंद कमरे के पास जाती है, दोबारा इस कमरे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है तो ये कमरा ओपन नहीं होता। बाद में अपने हेयर पिन लेकर इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगती है तो इस हॉल में इसको एक टूटी हुई चाबी नजर आती है। शक होने लगता है कि ये चाबी यहाँ पर कैसे अटक गई। खास बात, किसी भी तरह से जुगाड़ करके इस कमरे को ओपन कर ही लेती है। कमरे के अंदर जाने पर ये कमरा बहुत ही विचित्र होता है, अजीब अजीब के शैतानी डॉल्स और स्पेशली ब्लैक मैजिक करने वाली चीजें। उसी किसी जगह पर कैरलिन को एक पुरानी कैसेट नजर आती है। एट द सेम टाइम वॉलेट उस कमरे में आती है। वॉलेट को देखकर कैरलिन उसी कमरे में किसी जगह पर छुप जाती है। कमरे में कोई भी नजर न आने की वजह से वॉलेट इस कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब कैरलिन उस कैसेट को प्ले करने लगती है तो उस कैसेट में कुछ मंत्रों की आवाज आने लगती है, मतलब कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। उसके बाद कैरलिन अपने फ्रेंड से किसी बार में मुलाकात करके इसके साथ बस ऐसे ही चिल करने लगती है। बातों ही बातों में कैरलिन अपने फ्रेंड से उस कैसेट के बारे में बताने लगती है कि उस कैसेट में कोई बंदा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मंत्रों के बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मंत्रों का मीनिंग बोलने वालों के बारे में जानती हूँ। इस तरह से कुछ एड्रेस देने लगती है। दूसरी तरफ वॉलेट अपने बंगले में एक मिरर को देखती है। इस मिरर को रखने वाली और कोई नहीं, कैरलिन ही होती है। फटाफट से वॉलेट कैरलिन को डांटने लगती है। कैरलिन भी बहुत गुस्सा करने लगती है। वॉलेट से कहने लगती है कि मुझे शक है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है, अगर आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वॉलेट इसका रीजन कैरलिन को बताने लगती है। 90 साल पहले इस बंगलो में अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली रहती थी, वाइफ हस्बैंड उनके दो बच्चे और दो सर्वेंट्स। एक दिन इस बंगलो में कुछ फंक्शन वगैरह चलने लगता है। फंक्शन के दौरान वो वाइफ एंड हस्बैंड को अपने बच्चे नजर नहीं आते, अपने बच्चों की तलाश करने लगते हैं उस बंगलों में। बाद में पता चलता है कि ऊपर वाले कमरे में इनके दो सर्वेंट्स उनके दोनों बच्चों को बहुत सारे कैंडल्स के बीचों बीच रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो। ये देखकर सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि ये दोनों कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों को बचा लेते हैं। बाद में सारे लोग उन दोनों सर्वेंट्स को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। वॉलेट कहने लगती है कि वो मरे हुए लोग जब जब मुझे मिरर्स में नजर आते रहते हैं, इसलिए मैंने सारे मिरर्स को कवर कर दिया, बस यही रीजन है। तो कैरलिन भी समझ जाती है। दूसरे दिन कैरलिन स्पिरिचुअल्स का नॉलेज रखने वाली एक बंदी के पास जाती है।
उसे यही कहने लगती है कि मुझे एक कैसेट मिली, उसमें कुछ मंत्र वगैरह है। वो औरत कहने लगती है कि हम मंत्रों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं उन्हीं पर भरोसा करती हूँ जो लोग शैतानों पर भरोसा करते हैं, उनके होने का यकीन रखते हैं। कैरोलिन कहने लगती है कि शैतान भूत पर मुझे उतना यकीन नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड बहुत मानती है। बाद में वो औरत कैरोलिन को एक लिक्विड और एक कैंडल देती है, कहने लगती है कि इस कैंडल को किसी बॉल में जलाकर उसके सराउंडिंग में ये लिक्विड डालो। कैरोलिन उसी तरह से बंगले में आकर बेन के पास जाकर ऐसा ही कुछ रिचुअल करने लगती है, मतलब कैंडल सुलगाकर लिक्विड डालने लगती है। ये करने के बाद सडनली बेन बात करने लगता है, कैरोलिन से कहने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ से बचाओ, इस तरह से चिल्लाने लगता है। कैरोलिन शॉक में रह जाती है कि ये तो पहले इस बंदा है, अभी अचानक से बात कैसे करने लगा। तभी इस कमरे में वॉलेट आने की वजह से बेन बात करना बंद कर देता है। पूछने लगती है कि क्यों ये चिल्ला रहे थे। कैरोलिन कहने लगती है मैं बस ऐसे ही इनको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, आप फिक्र मत करिए, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन कैरोलिन उस लॉयर मतलब ब्लू के पास जाकर यही बात बताने लगती है कि मुझे उस बुढ़ी औरत पर शक है। कल रात तो बेन बात करने लगा, कहने लगा था कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ। लोग कहने लगता है कि तुम खामखा उस बुढ़िया पर शक कर रही हो, वो क्यों अपने पति को मारना चाहेगी, वो तो मियां बीवी है। इस तरह से लोग कैरोलिन को समझा बुझाकर दोबारा उस बंगलो के पास ले जाने लगता है। बीच रास्ते में अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए उस गैस स्टेशन पर ये दोनों रुकते हैं। कैरोलिन पैसे देने के टाइम उस कमरे के बाहर दोबारा वही रेड लाइन को देखती है, बॉर्डर लाइन। लुक से कहने लगती है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये बॉर्डर लाइन्स बुरी आत्माओं से बचाने के लिए ड्रॉ करते हैं अपने घर के सराउंडिंग में। खैर अंदर जाने के बाद उस कमरे में कैरोलिन काफी सारे कैसेट्स को देखती है, वही मंत्र वाले कैसेट्स। उस बुढ़िया से पूछने लगती है कि ये कैसेट्स आपके पास कैसे आई, आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो वो बुढ़िया कैरोलिन को एक अजीब की बात बताने लगती है कि भगवान किसी भी इंसान को सिर्फ 100 साल की उम्र ही देते हैं, लेकिन अगर हम इस मंत्र को बार बार रिपीट कर पढ़ते रहेंगे तो हमको कभी भी मौत नहीं आ सकती। अगर हम बूढ़े भी हो गए तो हमारी आत्मा दूसरे शरीर में जा सकती है, इस तरह से हम कई 100 साल जी सकते हैं। यह सुनने के बाद कैरोलिन शॉक में रह जाती है। लोग कैरोलिन से कहने लगता है अरे तुम एक नर्स होकर ये फालतू चीजों पर भरोसा करने लगी, हम लोग एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे अंधविश्वास बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कैरोलिन भी कहने लगती है कि लेकिन उस बंगलों में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है, सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सच ही है। खर्च के बाद कैरोलिन बंगलो वापस आने के बाद अपने कमरे के बाहर उसी तरह का लाल बॉर्डर ड्रॉ करने लगती है, और इस चीज को टेस्ट करने के लिए कैरोलिन वायलेट को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करने लगती है कुछ बहाना बनाकर। जब वायलेट कैरोलिन के कमरे के पास आती है तो कमरे के बाहर ही रुक जाती है, कमरे के अंदर जा नहीं पाती, कुछ बहाना बनाने लगती है। तो कैरोलिन का शक और दुगना हो जाता है कि सच में इस बंगलो में कुछ ना कुछ हो रहा है। खैर सुबह जब ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी इस बंगलो की लाइट चली जाती है। वॉलेट कैंडल लगाने के लिए अपने बगल वाले कमरे में जाने लगती है। इसी दरमियान में कैरोलिन वॉलेट के ड्रिंक में एक हल्की सी बेहोशी की दवा मिला देती है। वापस आने के बाद जब वॉलेट उस ड्रिंक को पीती है तो ये धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। कैरोलिन कहने लगती है कि आज के बाद से तुम अपने पति को तंग नहीं कर पाओगी। ये बात सुनने के बाद वॉलेट को कुछ भी समझ में नहीं आता, देखते ही देखते ये कम्प्लीटली बेहोश हो जाती है। और बेहोश होते समय वॉलेट अपने पॉकेट से एक पेन पेपर लेकर कुछ डायग्राम ड्रॉ करने लगती है और उसी तरह कुछ मंत्र भी पढ़ती रहती है। कैरोलिन फटाक से वॉलेट के हाथ से वो पेपर छीन लेती है ताकि इसका मंत्र कुछ भी काम ना करे। उसके बाद कैरोलिन फटाफट से बेन को घर से बाहर लाकर अपने गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। वही बंगलों के अंदर वॉलेट लगातार मंत्र पढ़ती रहती है, मतलब वॉलेट पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई होती, शायद वो दवाई इस पर पूरी तरह से काम नहीं किया। दूसरी तरफ जब कैरोलिन बेन को लेकर इस बंगलों से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है तो इस गेट को ताला लगा हुआ होता है। कैरोलिन अपनी गाड़ी से इस गेट को ठोकने लगती है लेकिन फिर भी ये गेट ओपन नहीं होता, बार बार ठोकने की वजह से इसकी गाड़ी ही फंस के रह जाती है। सो फिलहाल कैरोलिन बेन को लेकर बंगलों के बगल में ही एक छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर रख देती है बेन को ताकि वॉलेट इसको देख ना पाए। दूसरी तरफ बंगलों में वॉलेट टोटली फिट हो जाती है, मतलब कम्प्लीटली होश में आकर कैरोलिन को ढूंढने लगती है। अब इसी दरमियान में कैरोलिन वो जो छोटी नदी होती है ना, बोट के जरिए से लुक के पास जाने लगती है। लुक के पास आने के बाद ये सारी बात बताने लगती है कि वॉलेट बेन को मारने की कोशिश कर रही है। एट द सेम टाइम लुक को कॉल आने लगता है, कॉल में बात करने के लिए लुक थोड़ा साइड में जाने लगता है। जब कैरोलिन लुक के कमरे में बस ऐसे ही घूमने लगती है तो टेबल पर कैरोलिन के फोटोग्राफ्स मौजूद होते हैं, और वो भी 1 साल पहले के, जिसका मतलब लुक कैरोलिन को 1 साल से फॉलो कर रहा है
और उसी तरह वहाँ पर एक टूटी हुई चाबी मिलती है। कैरोलिन को समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले कमरे की चाबी लूक के पास है। जब तक इसको सारी बात समझ में आती तब तक लूक कैरोलिन को पीछे से हमला करने लगता है, मतलब इसके हाथ मुंह बांधकर दोबारा बंगलो के पास ही ले जाने लगता है। बंगलो में आने के बाद वायलेट कैरोलिन से पूछने लगती है कि उस बुढ़ऊ को कहां पर छुपा के रखा तुमने, लेकिन कैरोलिन बेन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसी दरमियान में कैरोलिन अपने कमरे में जाकर लॉक कर लेती है, मतलब अपने कमरे के बाहर ऑलरेडी इसने कुछ बॉर्डरलाइन ड्रॉ करके रखा होता ना, तो ये बॉर्डरलाइन होने की वजह से वायलेट और लूक अंदर नहीं आ पाते। कैरोलिन दोबारा वही पाउडर लेकर इन दोनों को कैद करने लगती है ताकि ये दोनों बाहर ना आ पाए। इस तरह से जब कैरोलिन वहां से भागने की कोशिश करने लगती है तभी वायलेट दूसरे रास्ते से आकर कैरोलिन के चेहरे पर कोई पाउडर छिड़क देती है। दोबारा बेन के बारे में पूछने लगती है लेकिन कैरोलिन कुछ भी नहीं बताती। इन दोनों की हाथापाई के बीच कैरोलिन वायलेट को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से कैरोलिन को बहुत जबरदस्त चोट आने लगती है। कैरोलिन फटाफट से वहां का फोन लेकर अपने फ्रेंड को कॉल करके यही सारी बात बताने लगती है। उसके बाद जब पुलिस वालों को कॉल करने ही वाली होती है लेकिन वो फोन कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वायलेट उस फोन की तार को काट चुकी होती है। कैरोलिन अपने आप को बचाने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाकर एक डायग्राम ड्रॉ करके उसके बीचों बीच बैठ जाती है, मतलब वायलेट ने एक छोटे से पेपर में डायग्राम ड्रॉ करके रखा था ना, वही डायग्राम ड्रॉ करके इसके बीच में बैठ जाती है। तभी उस कमरे के पास वायलेट भी आती है लेकिन अंदर नहीं आ पाती। कैरोलिन कहने लगती है कि अब तुम मेरे पास नहीं आ सकती, मैं बहुत ही सिक्योर प्लेस पर हूँ। यह सुनने के बाद वायलेट हंसने लगती है और कहने लगती है कि अब तक मैंने जो भी किया वो सारी चीजें इसके लिए ही किया, तुमको इस कमरे में यहाँ पर लाने के लिए। तुम खुद ब खुद मेरी जाल में आकर फंस गई। उसके बाद इस कमरे के सारे मिरर्स को ओपन करके एक मिरर कैरोलिन की तरफ पलटाती है तो कैरोलिन को इस मिरर में इस घर के सारे लोग नजर आते हैं, मतलब वो मियां बीवी, उनके दो बच्चे, दो सर्वेंट्स। देखते ही देखते वायलेट उस मिरर को कैरोलिन के ऊपर फेंक देती है। मिरर की चोट आने की वजह से शायद कैरोलिन बेहोश हो जाती है और उसके बाद वायलेट भी शायद बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब कैरोलिन को होश आता है तो कैरोलिन धूमधाम से सिगरेट पीती रहती है। तभी कैरोलिन के पास लूक वो लॉयर भी आता है, अपने आप को मिरर में देखकर हल्के से मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ से जबरदस्त ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात यह है कि वायलेट की आत्मा अब कैरोलिन के अंदर है और कैरोलिन की आत्मा वायलेट के अंदर। लूक और वायलेट प्लान करके कैरोलिन को इस कमरे में बुलाकर कुछ रिचुअल्स करके आत्मा को शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि वायलेट के बॉडी में जो आत्मा थी वो और किसी की नहीं, इस घर में काम करने वाली सर्वेंट की होती है 90 साल पहले। एक और ट्विस्ट ये है कि लूक के बॉडी के अंदर उस मेल सर्वेंट की आत्मा होती है। अब ये दो सर्वेंट्स जवान होना चाहते थे, वो मेल सर्वेंट किसी भी तरह से अपनी आत्मा को लूक के शरीर में भेज दिया। अब वो फीमेल सर्वेंट फीमेल बॉडी की तलाश में थी, लकीली इन दोनों को कैरोलिन मिल गई। सो ये दोनों कैरोलिन को ट्रैप करके उस फीमेल सर्वेंट की आत्मा कैरोलिन के अंदर आ गई। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि 90 साल पहले इस घर के ओनर्स ने उन दोनों सर्वेंट को मार दिया तो उनकी आत्मा कैसे जाग गई। बात ये थी कि 90 साल पहले जब इस घर में फंक्शन हो रहा था उस वक्त वो दो सर्वेंट्स उन दोनों बच्चों को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर कुछ रिचुअल्स करके अपने दोनों की आत्मा इन दोनों बच्चों के अंदर कपकर डाल चुके होते हैं। बिना जानकारी के इस घर के ओनर्स मतलब वाइफ एंड हस्बैंड अपने ही बच्चों को जला देते हैं। बाद में वो दो सर्वेंट्स जो बच्चों के अंदर थे कुछ दिनों बाद वायलेट और बेन के अंदर चले गए। अब बेन तो बीमार हो गया जिसके वजह से उस मेल सर्वेंट की आत्मा लूक के अंदर चली गई और अब वो फीमेल सर्वेंट की आत्मा कैरोलिन के अंदर। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो दोबारा रिवाइंड कर देखिए। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कैरोलिन की फ्रेंड आती है तो यहाँ पर कैरोलिन अपने फ्रेंड को पहचान नहीं पाती क्योंकि कैरोलिन के बॉडी में उस फीमेल सर्वेंट की आत्मा होती है ना, इसीलिए। दूसरी तरफ वायलेट के शरीर में जो कैरोलिन की आत्मा होती है वो अपने शरीर को देखकर शॉक में रह जाती है कि मैं क्यों ऐसे बन गई। एम्बुलेंस आकर वायलेट और बेन को वहां से ले जाते हैं। वो दो सर्वेंट्स उसी बंगलों में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं 100,000 साल तक ऐसे ही आत्माओं को शिफ्ट करते हुए। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।